हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो और अगर आप एनआईटी से कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम आप इस साल जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपका जेडब्ल्यू मेंस के टोटल 4 अटेम्प्ट लिए जाएंगे। 2 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, 2 अटेम्प्ट अभी आपके बचे हुए हैं। तो कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, कितना परसेंटाइल आपको स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल पाए। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको पिछले साल का कट ऑफ दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा कि कितना हमें स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके 2 अटेम्प्ट में इस तरीके के स्कोर आ रहे हैं तो आपको ये जो है मतलब एनआईटीज में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच जरूर मिल जाएगा। जैसे देखिए, पहला जो आपका एनआईटी है, जो बेस्ट एनआईटी है तिरुचिरापल्ली, इसका क्लोजिंग रैंक जो था आपका 781 और परसेंटाइल में बात करोगे तो 99.39 इस तरीके से इसके आसपास में आएगा आपका, ठीक है। सूरतकल हो गया, वारंगल हो गया, इलाहाबाद हो गया, राउरकेला हो गया, कलिकट हो गया, जयपुर हो गया, नागपुर नागपुर हो गया, सूरत हो गया, भोपाल हो गया, तो ये टॉप 10 एनआईटीज हैं, ठीक है। अगर आप नागपुर की बात करोगे तो देखो, इसका क्लोजिंग रैंक था 4708, मतलब 4708 रैंक। अब यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है ओएस कोटा। तो देखो, 2 कोटा होता है, एक होता है होम स्टेट कोटा, एक होता है आपका अदर स्टेट कोटा। तो अदर स्टेट कोटा जो होता है इसका कट ऑफ ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर ये आपका अदर स्टेट का कोटा ही है। अगर कोई नागपुर का रहेगा और वो होम स्टेट कोटा से अगर एडमिशन लेगा तो इसका कट ऑफ और कम रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका होम अदर स्टेट कोटा का, ऊपर में ये दिया हुआ है आपका। अब एक और देखो, इसके बाद जो आपके 10 नेक्स्ट एनआईटीज हैं, जैसे इसमें आपका नंबर आता है कुरुक्षेत्र, दिल्ली, जालंधर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर और पटना, तो टॉप 10। और ये उसके नेक्स्ट टॉप 10 है आपके, मतलब ये 20 एनआईटीज का मैं कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो आपका लास्ट में गया एनआईटी पटना, इसका कट ऑफ गया आपका 98.749। तो अच्छा खासा कट ऑफ रहता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो अगर आपके इतने कट ऑफ आ, मतलब इतना परसेंटाइल अगर आपने स्कोर किया है स्टार्टिंग के 2 में, तो आपको जरूर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने का संभावना ज़्यादा रहेगी। और अगर आपने नहीं इतना स्कोर नहीं किया है तो जो 2 आपके अटेम्प्ट बाकी है तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो, ठीक है।